आइकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित हो गए रजनीकांत। प्रकाश जावड़ेकर ने की घोषणा। साउथ के थलाइव स्टार रजनीकांत के स्टारडम और पॉपुलैरिटी की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। हाल ही में एक खबर की माने तो रजनीकांत को एक बड़े समारोह में बड़ा सम्मान दिया जाएगा। जी हां, दिग्गज स्टार रजनीकांत को गोवा में होने जा रहे 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, आइकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा रजनीकांत को। यह पुरस्कार सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जा रहा है। अब ऐसे में हाल ही में इस अवार्ड की घोषणा के बाद रजनीकांत ने भारत सरकार का धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वर्ण जयंती पर मुझे दिए गए इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। अब लगातार खबर सामने आने के बाद फैंस ने भी अपनी इस फेवरेट सितारे को अवार्ड दिए जाने की खबर का स्वागत किया और वहीं इसे लेकर अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की। उन्होंने रजनीकांत के ट्वीट पर कॉमेंट करते हुए उन्हें पुरस्कार के लिए बधाई दी। बात यदि इस समारोह की करें तो हर साल आयोजित होने वाला ये समारोह इस साल फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 25 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इस समारोह में नवाजुद्दीन को भी सम्मानित किया जाएगा, जिसकी ज्यूरी में अनुराग कश्यप शामिल होंगे।